हेलो गाइस, एक और नई वैकेंसी के साथ फिर से अपन एक और नए वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को इसकी अपडेट मिल चुकी है। जिन विद्यार्थियों को नहीं मिली, खासकर जून के लिए अच्छी अपडेट होगी। जी हाँ, 5000 से अधिक पदों पर वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है। FCI की मैं बात कर रहा हूँ, फूड्स कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत के सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिला हो पुरुष हो, चाहे भले ही किसी भी राज्य से हो, एकदम आवेदन प्रक्रिया सभी कर पाएंगे। सैलरी की बात करें, पोस्टों की संख्याओं की बात करें या फिर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इन सारी चीज़ों की बात अपन अलग अलग कैटेगरीज यानी अलग अलग विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि इसके तीन अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसियां अपडेट हुई है, क्योंकि ये जो भी विज्ञापन पहले विज्ञापन जारी हुआ था उसके अंदर अलग क्वालिफिकेशन है, सेकंड विज्ञापन जो सेकंड कैटेगरी का जारी हुआ था उसका अलग अलग है। तो यानी कि सारी चीजें अपन एक साथ बात करेंगे। आवेदन पर क्या अभी से इसमें आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, उसकी भी बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आपको ये विज्ञापन देखना है या फिर आपको इसकी पूरी अपडेट लेनी है या फिर आवेदन करना है, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, साथ ही हमारे इंस्टा पेज या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हैं, वहां पे भी आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहां पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और यहीं से आप लोग क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और पहले कभी आपने जो रजिस्ट्रेशन या फॉर्म पहले कभी फिल किया, तो पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग लगा सकते हैं, वही लगा के आप लोग इसे फिर से रिसबमिट कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस फॉर्म और सिग्नेचर ही आप लोगों को अपलोड करना होगा। अब नए स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आपको ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर रखना होगा, ये थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पे भेजेगा। यहाँ पे देखिए, विज्ञापन की अपन बात करें तो यहाँ पे विज्ञापन की इसकी पूरी करीबन 44 पेज का एक पूरा विज्ञापन है, जिसमें हर चीज की अपडेट दे रखी है। जैसे मैकेनिकल हुआ, सिविल मैकेनिकल हुआ, अकाउंटेड हुआ, या फिर इलेक्ट्रिकल्स हुआ, या फिर सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, जनरल मैनेजर, ये सब की पोस्टें यहाँ पे दे रखी है। अब इसके अलग अलग कैटेगरीज के आधार पे अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं, जिसमें 27 अगस्त से 16 से 26 सितंबर तक और 6 सितंबर से करीबन 27 सितंबर तक ये विज्ञापन, ये आवेदन आप लोग इसमें करेंगे, ये भी आप लोगों को देखना होगा। उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ भी आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स की बारे में, सेकेंड थर्ड कैटेगरी के बारे में। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी को पहले देख लेते हैं। ये सेकेंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी में करीबन 113 मैनेजर की पोस्ट जारी की गई है, जिसमें 27 अगस्त से 16 सितंबर तक आप लोगों को सबमिट करना होगा। आई होप कि ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें जर्नल और सिविल इंजीनियरिंग, अकाउंटेड, टेक्नीशियन, हिंदी या फिर ये पोस्ट इसमें दे रखी है। सैलरी करीबन 1 लाख से अधिकतम सैलरी होगी आप लोगों की। बीकॉम, डिप्लोमा, बीटेक वाले विद्यार्थी इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, देखिएगा। थर्ड कैटेगरी की ये है, 6 सितंबर से आवेदन होगी, करीबन 5000 के आसपास इसमें वैकेंसी होगी, और ये 6 सितंबर से आवेदन पर क्या 5 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। जनवरी में आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट और सेकेंड इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं। इसमें देखिएगा AG की थर्ड, सेकेंड जनरल, अकाउंटेड और सिविल, ये ग्रेड्स दे रखे हैं, पोस्टों की संख्या दे रखी है, ये विज्ञापन है और ये भी आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में ये देखिएगा, इसमें 5000 वैकेंसियां हैं और इसमें आवेदन के लिए भी आप लोगों को 21 से 28 वर्ष तक का युवक अप्लाई करेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होगी। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो सीधा कमेंट करें। आज का इतना ही, नए अपडेट के साथ फिर एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।